देखो अब पिकअप देखो, इसमें मोड्स भी हैं क्या, स्पोर्ट्स मोड वगैरह, इको मोड। और भाई स्टेयरिंग तो इतना मक्खन कर दिया ना, बिल्कुल जैसे स्कॉर्पियो अनकाता था। मलाई इसमें तो भाई सेम फॉर्च्यूनर वाला फील है। एक छोटा सा नेगेटिव बताना चाहूंगा इस गाड़ी का, तो भैया आज चलांगे थार रॉक्स 5 डोर ऑटोमेटिक। हाँ जी दोस्तों, तो हम बैठे हैं थार रॉक्स के अंदर ड्राइविंग सीट पे, 4x4 ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें सारी चीजें बिल्कुल एंड है, हार्मन गार्डन का सिस्टम वगैरह सारी चीज। और भाई स्टेयरिंग तो इतना मक्खन कर दिया ना, बिल्कुल जैसे स्कॉर्पियो अनकाता था। मलाई पिछली जो थार चलाते थे लोग, वो लोग भाई 10 लाख रुपए ऊपर दे देंगे इसे खरीदने के लिए। अभी एक टेस्ट ड्राइव वाले भाई बैठे थे, ये तो भाई पिछले 2 दिन में 250 टेस्ट ड्राइव करा चुका हूँ, कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जिसने बुराई करी हो गाड़ी की, सब बावले हुए पड़े हैं। स्कॉर्पियो ले लो, हमारी थार रख दे दो हमें। तो भाई वेंटिलेटेड सीट से लेके सारी चीज बिल्कुल ठंडा कर रखा नीचे से मैटर, पैसेंजर एयरबैग और ये भाई इतने सारे फीचर्स, ये अपना वो होता है डिफरेंशियल लॉक वगैरह, सारी चीज इसमें बहुत अच्छे फीचर सारे दे रखे हैं। फॉर्च्यूनर के अकॉर्डिंग इसमें क्या मेरे को फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे अपनी गाड़ी मैंने 19,000 चला दी है, तो उसके बाद में अगर मैं इसको लेता हूँ तो मुझे ऐसा तो नहीं लगेगा मैंने क्या ले लिया, तो चला के इसको फिर बताएंगे आपको, वीडियो में आप आगे देखोगे। भाई पिछली थार से तो बहुत सुधार है इसमें, पिछली थार तो भाई ऐसी लगती थी जैसे कि हम ट्रैक्टर चला रहे हूँ, इसमें तो भाई सेम फॉर्च्यूनर वाला फील है। अब पिकअप देखो, पिकअप थोड़ा ढीला लग रहा है, अब हमारी में ज्यादा है इसलिए हो सकता है, लेकिन पिकअप हल्का सा थोड़ा स्ट्रगल करती है गाड़ी। बॉडी रोल नाम को भी नहीं है इसमें, बिल्कुल जीरो बॉडी रोल, बहुत मजेदार कर दी। और आरपीएम बहुत कम खा रही है जिस हिसाब से स्पीड पकड़ रही है, गड्ढों में खुद आ रहा हूँ जान के रिस्पॉन्स चेकआउट करने के लिए। इसमें एडास है क्या, ऑटोमेटिक ब्रेक लेती है, कुछ ऐसे फीचर्स बताओ इसके जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं खुले हैं। अभी इसमें क्या है, 2-3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि पूरे महिंद्रा से सिर्फ 2 ही लोग गए हैं यहाँ पे, अच्छा मैं हूँ, एक बंदा और है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे आप महिंद्रा से हो, आप मेरी जगह बैठे हो जो जिसका बजट अलाउ करता है 25-26 लाख रुपए। भाई 25-26 लाख रुपए देखो, टॉप मॉडल जिसको लेना वो तो, अगर सनरूफ का मजा प्रॉपर चाहिए, अगर ये आईटीए वाले जो ऑप्शंस चाहिए, इसमें इंटेली टर्न असिस्ट है आपका, प्रॉपर ऑफ रोडिंग में काम आएगा, सस्पेंशन बहुत ही बना है। लद्दाख आप लेके गए, कहीं ऐसा लगा कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है? भाई मैं तो पुरानी वाली बात कर रहा हूँ, इसका तो कोई कमी नहीं भाई किसी भी चीज़ में, कोई कमी नहीं, खड़े खड़े साढ़े मोड़ दो साढ़े जो 2.5 करोड़ रुपए की जो गाड़ी आती है वैन, जो रैंगलर है तुम्हारा और भी। भाई जेन्युइनली बताऊं तो गाड़ी में फील है, मजा है चलाने में। महिंद्रा ने 3 साल मेहनत करी इसके ऊपर, 3 साल कंटिन्यू 3 साल लगे इसको बनाने। इसमें मोड्स भी है क्या, स्पोर्ट्स मोड वगैरह, इको मोड? दूसरी गाड़ी हमारी आएगी नॉर्मली जो है टाइजर वाली है, दूसरी गाड़ी आएगी, अच्छा उसमें जो है आपको मिलेंगे वो सारी चीजें। और टॉप स्पीड क्या होगी इसकी? टॉप स्पीड 178 के आसपास है भाई, 178। अपने आप ही ब्रेक लेने लग जाती है, जैसे ही जैसे बाइक पास में आई तो मेरे को हल्की स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील होगी और ब्रेक में वाइब्रेशन फील होती है। इसमें अडास है, हाँ वो अडास वरना में भी, मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी तो वरना में भी वो चीज थी। ऑटो होल्ड भाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पता नहीं क्या क्या फीचर दे दिए, 1 करोड़ वाली गाड़ी में भी वो फीचर्स नहीं है। तो थार ने भाई मार्केट का अल्टवल्ट करने की सोच ली है मुझे लग रहा है, तो भाई का नंबर हम लेके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नाम के साथ में, तो आप कॉन्टेक्ट करना भाई, बहुत बढ़िया चीजें समझाई है। मैं भाई जेन्युइनली बताऊं तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने 45 लाख रुपए खर्च करे फॉर्च्यूनर, खैर वो मेरा सपना था कि मुझे वो उठानी थी, पर इस गाड़ी में ना भाई कमी नहीं है, जो बात है गड्ढे पड्ढे में कैसे ही खुदाए जाओ ये यू नहीं कह रही। जो डबल वाले ब्रेकर होते हैं ना येलो वाले, अभी मैंने उन पर से निकाली है, जूम करके गोली हो गई, अब 80-90 चल रही है। पुरानी वाली थार में ऐसा लगता था कि भाई भाग रही है गाड़ी, स्टेयरिंग पे से हाथ छोड़ रखा है, देखो बिल्कुल अपनी लय में चलती रहेगी सीधी। और बॉडी रोल भाई पुरानी थार छोटी है उसमें कम होना चाहिए, लेकिन इसमें तो जीरो ही है, स्कॉर्पियो एन से कम बॉडी रोल है इसमें, मामा के पास स्कॉर्पियो है ना आप लोगों को पता ही है, तो उससे भी कम बॉडी रोल, वो झूल जाती है जो ना झूले 40-42 पे, देखो पूरा गोल चक्कर घुमा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा के, तो कोई फीलिंग नहीं है। एक छोटा सा नेगेटिव बताना चाहूंगा इस गाड़ी का, बहुत छोटा सा माइनर सा, जैसे आप माइंड भी नहीं कर सकते,
जब आप पीछे वाली सीट्स में घुसोगे ना तब आपको थोड़ी सी इरिटेशन फील होगी कि वो जो फुट रेस्ट है वो जगह कम है उसमें। अगर आप लंबे हो 5-10, 5-11 हाइट है तो उतरने और बैठने में, बैठने के बाद एक बार आप अंदर घुस जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइव एक्सपीरियंस आप फील नहीं कर पा रहे होगे जो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ चला के, तो आप बिल्कुल यहाँ आए एक बार देखें सारी चीज़ें। 250 टेस्ट ड्राइव भाई ने करवाई है पिछले 2 दिन में, मायने रखती है भाई, और उसका भी रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि भाई किसी ने बुराई नहीं करी गाड़ी की। जो चला रहा भाई उसके मुंह पे मुस्कुराहट ही आ जाती होगी, बंदा जो भी आ रहा है वो खुश होकर ही जा रहा है भाई, मतलब इसकी ऑसम परफॉर्मेंस। देखो मैं ब्रेक नहीं मार रहा, ऑटोमेटिक कोलिजन वार्निंग कर रखी है, ऑटोमेटिक ब्रेक मार रही है ऑटोमेटिक इतनी तेज हज रहा है खेल के भाई खेल के थे। देखो इसकी स्कूटी वाले के पीछे लेता हूँ, सुना भी नहीं भाई। तो देख 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 पूरी अपने आप ब्रेक लेती है कसम से। लेवल 3 हटा था, लेवल 2 है, 2 है भाई ये। राइट लेफ्ट देखो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जान तो है कुछ गाड़ी में जो बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने अच्छे तरीके सारी चीज बताई और हमें थोड़े से मजे लेने के लिए अलाउ भी कर दिया। और भाई एवरेज देखो, टेस्ट ड्राइव गाड़ी है तो 8 का शो कर रही है, फुल टैंक में 500 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द बॉडी रोल, हल्का सा स्टीयरिंग काटते ही रेस दे दो अब गाड़ी जूम हो जाती है सीधा। ब्रेक लूंगा अब तकड़े। ओ भाई खड़ी खड़ी हो गई बिल्कुल 75 से भाई। डिलीवरी में तो ये 1 साल ही लगाएंगे जैसे थार पे पिछली वाली पे करा था, इतनी नहीं है ज्यादा, 5-6 महीने लास्ट। ओके कर देंगे जल्दी जल्दी। चलो भाई भगवान ने मौका दिया तो गाड़ी उठाते हैं थार रॉक्स। ये पूरी खराब रोड है जिसमें एक्सयूवी देख रहे हो अब कैसे जा रही है, आपके सामने निकालूंगा इसको। देखो पता ही नहीं चला एक्सयूवी वाले ने जीरो पे कर ली थी गाड़ी अपनी। और भाई म्यूजिक सिस्टम हरमन कार्टन का जो दिया है ना, शॉर्ट देखना मैंने शॉर्ट अपलोड करा अपने चैनल पे, बहुत बढ़िया अच्छा डिसेंट। अब हम दोबारा आ चुके हैं शोरूम पे, मन तो नहीं कर रहा जाने का बट अनफॉर्चुनेटली जाना। देखो कैसे नाच रही है और मैं को दूं इसको, पता ही नहीं चलता भाई। फॉर्चुनर वाले भी साइड हो जाते हैं ऐसे। शोरूम आ गया क्या? तो दोस्तों यही इस वीडियो का एंड करेंगे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा एक्सपीरियंस।